हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम डॉक्टर सौम्य श्रीवास्तव। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी क्या होती है, इसके क्या कॉज होते हैं और कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में जिनको यूज़ करके आप अपनी इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम में निजात पा सकते हैं और एक अच्छा गृहस्थ जीवन बिता सकते हैं। और अगर जो भी मेरे चैनल पर अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबा के, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। और इनफर्टिलिटी के बारे में जानकारी देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। दोस्तों, एक आफ्टर मैरिज, एक सर्टेन स्टेज के बाद हर कपल चाहता है कि उसका एक बेबी हो, जिसके लिए बहुत ट्राई करता है। बट कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती हैं जिसकी वजह से जो फीमेल है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। इसके बहुत से कारण होते हैं। हो सकता है जो मेल में होने वाली कमी हो, उस वजह से फीमेल प्रेग्नेंट ना हो पा रही हो, या फीमेल की अपनी अंदरूनी शारीरिक समस्याओं के कारण वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। एक साल तक लगातार ट्राई करते रहने के बाद अगर कोई फीमेल कंसीव करने में अनेबल होती है या वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन को हम लोग स्टेरिलिटी कहते हैं या बांझपन कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इस इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या होते हैं। हमारा जो पहला कॉज है वो है PCOD या PCOS, जिसे बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस केस में ओवरी में हमें एक से अधिक यानी एक से ज़्यादा सिस्ट देख रहती है, जिस कंडीशन को हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, पॉली मतलब बहुत ज़्यादा, सिस्ट मतलब गांठ, ओवेरियन मतलब ओवरी में, तो हमारी ओवरी में यानी हमारे ओवरी में हमारी एक से ज़्यादा अगर गांठ रहती है तो उस कंडीशन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। इस कंडीशन होने की वजह से भी इनफर्टिलिटी की देखने को, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। दूसरा जो कॉज होता है वो है मेल हार्मोन की, फीमेल हार्मोन में अधिकता होना। जो हार्मोन होते हैं वो मेल और फीमेल दोनों में पाए जाते हैं, पर जो मेल हार्मोन होता है अगर वो फीमेल में अधिक मात्रा में पाया जाए तो उस वजह से फीमेल्स के चिन पे, फीमेल्स के फेस पे, उनके अपर लिप्स पे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसके कारण यानी मेल हार्मोन की अधिकता के कारण भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इररेगुलर पीरियड। इररेगुलर पीरियड यानी किसी महिलाओं को जो मासिक धर्म है वो बहुत ज़्यादा दिन तक रहता है, मतलब 10 से 15 दिन रहता है, और किसी को एक या दो दिन में ही उनका फिनिश हो जाता है। तो ये जो इररेगुलर पीरियड की जो कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण भी इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है या ये भी एक कॉज होता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना। फैलोपियन ट्यूब जो हमारी यूट्रस से कंबाइन होती हुई हमारी दोनों ओवरीज को जाती है, जिसके थ्रू जो ओवम है और जो स्पर्म है जो ओवरी में जाके उनका फर्टिलाइजेशन होता है, वो ट्यूब ही अगर ब्लॉक हो तो उस वजह से, उसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उस वजह से भी हमें क्या नाम है, इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। एंड ये बहुत कॉमन कॉज है, ज़्यादातर महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब का ब्लॉक होना मिलता है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है पेल्विक इन्फेक्शन, मतलब आपके पेल्विक एरिया में यानी आपके जेनिटल एरिया में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके की कोई सिस्ट हो या कोई किसी भी तरीके का कोई घाव हो, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट जो कॉज है वो है ओवम की क्वालिटी का अच्छा ना होना, तो ये भी एक कॉज होता है इनफर्टिलिटी का। दोस्तों, आजकल इनफर्टिलिटी के बहुत से ट्रीटमेंट देखने को मिलते हैं जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं, जिनमें IVF ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा महंगा है और हर व्यक्ति उसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। इस केस में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, जो कि महिलाओं की शारीरिक समस्याओं का समाधान करते हुए उन्हें प्रेग्नेंट होने में, उन्हें कंसीव करने में सफलता प्रदान करती है। तो अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। हमारी जो पहली मेडिसिन है वो है कल्केरिया कार्प 30। जिन महिलाओं में PCOD या PCOS की प्रॉब्लम होती है या जिनका ओवुलेशन पीरियड सही नहीं या ओवुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उस कंडीशन में कल्केरिया कार्प 30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी आप 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पे या ग्लोबुल्स में मेडिकेट करके ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है CPR 30। जिन महिलाओं में इररेगुलर पीरियड की समस्या होती है या जिनको जिनमें कॉन्स्टिपेशन और येलो ल्यूकोरिया की शिकायत होती है, जिनको आफ्टर इंटरकोर्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स वजाइना से गैस पास आउट होती है और उन्हें ब्यूरिंग डाउन सेंसेशन होता है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि
के अंदर से कोई कोई ऑर्गन है जो वो नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब उनको नीचे की तरफ बढ़ने वाला है, यानी बेयरिंग डाउन सेंसेशन फील होता है। इस केस में CPR-30 बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आप 2 से 3 बूंद डायरेक्ट टंग पे दिन में 3 बार ग्लोबूस में मेडिकेट करके या डायरेक्ट टंग पे ले सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है ऑरोम्यो नेट्रोटम 3X। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब और यूट्रस, इन तीनों ऑर्गन से रिलेटेड जितनी भी कंडीशन होती है उसमें ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको लेनी है। हमारी जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है OVATOSTA 3X। OVATOSTA 3X, जो ओवम का जो प्रोडक्शन होता है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होता है या जो उसकी वर्किंग होती है वो बहुत स्लो होती है, सो उस कंडीशन के लिए OVATOSTA 3X बहुत ही अच्छा वर्क करती है। इसकी भी आपको 4 टैबलेट दिन में 3 बार आपको डायरेक्ट लेनी है। ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिंस जो कि मैंने आपको जनरली इनफर्टिलिटी के बारे में बताई है, पर पेशेंट टू पेशेंट उनकी फिजिकल कंडीशन के कारण, उनकी मेंटल सिम्टम्स के कारण मेडिसिन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। तो ये जो मेडिसिन है वो एक कॉमन मेडिसिन है। अब किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें। ये जो मैंने मेडिसिन बताई है ये फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए बताई है। मेल इनफर्टिलिटी के लिए की जो भी कॉजेज होते हैं या जो भी कंडीशन होती है उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें।